रामविलास जी आरक्षित सीट से लड़ते रहे, उनके पुत्र भी अब आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं। रामविलास जी इतने मजबूत है तो उनको आरक्षित सीट छोड़ के दूसरी जगह जाके क्यों लड़ना है? राजनीति में कैसे कमजोर पिछड़े वर्ग के कमजोर लोग आ पाएंगे? सरकार की जिम्मेवारी होती है कि आरक्षण का जो लाभ है वो गाँव के पिछड़े और गरीबों के तक पहुँचे। और आप पाटीदार आंदोलन से आपकी शुरुआत हुई सामाजिक राजनीतिक, मुख्य रूप से आरक्षण के संबंध में आपसे जानना भी चाहते हैं कि आरक्षण का जो एक ऐसा फॉर्मेट है, वर्तमान जो फॉर्मेट है उसमें एक ऐसा भी पार्ट है कि जो समृद्ध पिछड़ी जातियों से जो समृद्ध लोग हो चुके हैं वे भी बार बार आरक्षण पा रहे हैं, जिससे कि पिछड़ी जातियों के जो कम समृद्ध लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन तक आरक्षण का पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस फॉर्मेट से क्या आप संतुष्ट हैं या इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं? तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि आरक्षण का जो लाभ है वो गांव के वो पिछड़े और गरीब लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जब यहाँ चुनाव से 2015 के मोहन भागवत ने जो समीक्षा की बात कही थी, पता नहीं उन्होंने किस आधार पर समीक्षा की बात कही थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन गांवों तक गरीब पिछड़ों तक आरक्षण कैसे पहुंचे उस पर समीक्षा होनी चाहिए, ताकि उस गांव के गरीब लोगों को भी उसका लाभ मिले, वो भी संवैधानिक तौर पे शिक्षा और रोजगार के उस मुख्यधारा में आ पाए जहां पर उनको अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि आरक्षण का लाभ बिल्कुल वो लोग भी ले रहे हैं और उसके बेटे भी ले रहे हैं, लेकिन वो गरीब लोग नहीं ले रहे जो पिछले 70 साल से गरीब है। तो इसके लिए सरकार की जिम्मेवारी होती है। आम जनता या उस समाज के लोग फक्त लड़ाई कर सकते हैं, अधिकार की मांग कर सकते हैं, सरकार के सामने हल्ला बोल कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उस गांव तक पहुंचाए। अधिकारी बहुत है, इतना संसाधन है सरकार के पास, पूरी ब्यूरोक्रेट्स की टीम है, तो उन गरीब लोगों का लिस्ट बना के उन गरीब लोगों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए प्रोत्साहित करके आरक्षण का लाभ देना चाहिए। उसके लिए मैं नौकरी में आरक्षण के अलावा जो राजनीतिक मामलों में आरक्षण की बात है उसका एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं कि रामविलास जी आरक्षित सीट से लड़ते रहे, उनके पुत्र भी अब आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, मायावती जी हैं या इनसे रिलेटेड लोग हैं जो काफी समृद्ध हैं। तो राजनीति में कैसे कमजोर पिछड़े वर्ग के कमजोर लोग आ पाएंगे जब पिछड़े वर्ग के ही मजबूत लोगों ने सीटों पर कब्जा कर रखा है? देखो बिल्कुल सही बात है कि रामविलास जी इतने मजबूत है तो उनको आरक्षित सीट छोड़ के दूसरी जगह जाके भी लड़ना चाहिए, ताकि उस आरक्षित सीट पे वो गरीब आदमी लड़ सके जो लोगों के काम करने के लिए उत्साहित है, प्रेरित हो सकता है। लेकिन राजनीति का बस मकसद यही हो गया है आजकल, गरीब लोग ज्यादा गरीब बनता जाएगा, अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते जाएंगे, जो पहले से मुख्य धारा में है राजनीतिक और संसाधन में वो ज्यादा मजबूत बनेगा, और जो लोग मुख्य धारा में आ ही नहीं पा रहे वो ज्यादा गरीब बनेगा। अब प्रतिनिधित्व का सवाल है और आरक्षण का मतलब मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा, आरक्षण हमारे देश को प्रतिनिधित्व का मौका देती है, लेकिन कुछ लोग है कि गरीबों का प्रतिनिधित्व खा जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। आने वाला दिन हम जैसे नौजवान अगर इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे तो बिल्कुल जो देश में गरीबी है उस गरीबी को मिटाने का हम काम कर सकेंगे, और जिसकी जितनी संख्या है, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो अमीर लोग हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसको उसका अच्छा और बेहतरीन अधिकार मिले उस पर हम काम करेंगे। आरक्षण की बात है तो एक और जवाब आपसे हम चाहते हैं कि बेरोजगारी आजकल युवाओं में, आप भी युवा है, बेरोजगारी युवाओं में काफी अधिक बढ़ गई है, तो क्या आरक्षण से बेरोजगारी का समाधान हो सकता है या अन्य भी कुछ उपाय करने होंगे? आरक्षण और बेरोजगारी में काफी अंतर है, पहले तो ये हमें समझना चाहिए। बेरोजगारी जो है वो किसी राम के श्राप की वजह से नहीं पैदा हुई, सरकार की गलत नीतियों की वजह से पैदा हुई। पिछले 5 साल में जिस तरह से गलत नीतियां बनी है, चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो या फिर कुछ अलग अलग सरकार की योजनाएं, इससे बेरोजगारी ज्यादा हुई है। आप जानते होंगे कि 55 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा इस साल हुआ, तो आरक्षण को इसके साथ हम जोड़ नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, हम बेरोजगारी को अगर खत्म करना है, बेरोजगारी को मिटाना है, तो सबसे पहले हमें देश में खाली पड़े 22 लाख रिक्त पदों को भरना पड़ेगा, जो सरकारी स्थानों पे खाली पड़े हैं, स्टेटों में खाली पड़े पद हैं। उसके बाद हम प्राइवेट कंपनियों के तरफ आगे बढ़ते हैं। आज आप देख सकते हैं कि रेलवे में अगर प्राइवेटीकरण आ जाने के बाद उसके अंदर अब रोजगार नहीं मिल पाएगा, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो ज्यादा ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये सारा मामला हुआ है,
अब आरक्षण की बात है तो आरक्षण और रोजगार, जब रोजगार होगा तो आरक्षण का ठीक से उपयोग हो पाएगा ना। जब तक रोजगार ही आपके पास पैदा नहीं हो गया तो भी आरक्षण का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे हम लोग, गरीब लोग नहीं कर पाएगा, जिसको मिला है आरक्षण 27, 14, 7 वो भी नहीं कर पाएंगे, अभी जो 10 दिया गया है ईबीसी के आधार पर वो भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो रोजगार पैदा करना होगा, वो प्राइवेटीकरण हो या सरकारी हो। और आप समझ सकते हैं कि विरोध की राजनीति की जगह, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, बीजेपी के पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बेरोजगारी का सामना कर सके। तो कांग्रेस पार्टी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शास्त्री, उनके पास से ज्ञान लेना चाहिए सरकार को मोटा मन रख के। और इसी वजह से अगर अर्थशास्त्री हो या फिर इकोनॉमिस्ट, जो बड़े बड़े जो विदेश में जाके अभी जो नोबेल पारितोषिक मिला अभिजय बनर्जी को, ऐसे लोगों के साथ बैठे सरकार और समाधान निकाल, अगर मैं माता हूँ समाधान निकल सकता है। आपने सामाजिक आंदोलन से शुरुआत की और आज जो है एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर भी है, तो यह सामाजिक आंदोलन में के समय और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर एक पार्टी में होने में क्या फर्क आप देख पाते हैं, क्या अंतर है, क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव? जब हम सामाजिक आंदोलन के साथ थे तब ना हम संवैधानिक पद पे थे और ना ही किसी पार्टी के समर्थक थे और ना ही किसी का हमें समर्थन था जनता के अलावा। तब भी हमने गुजरात की जनता के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए 3-3 योजनाएं लागू करवाई, सरकार के साथ लड़के। उसके बाद हमने यही सोचा कि अगर राजनीति की मुख्य धारा में हम जाएंगे तो बिना पद हम इतना अच्छा कर सकते हैं, तो हमारे दम से और पार्टियों के दम से साथ मिलकर काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, हम वहाँ स्वतंत्र थे, यहाँ पर राजनीतिक प्रोटोकॉल में रहना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन हम तो अच्छा करने वाले लोग हैं। 25 साल की उम्र, 50 साल तक हमें काम करना है। और आप जानते हैं कि शहर के अंदर जो कोई बिल्डर होगा तो उसको पता चलेगा कि 10 साल के बाद इस जमीन के दाम बढ़ने वाले, तो वो पहले से सस्ते में वो जमीन ले लेता है। तो गुजरात की जनता ने भी हम पर एक सौदा मारा है कि 25 साल का लड़का इसके साथ खड़ा रहना, अगर 50 साल के बाद किसी जगह होगा तो हमारे ये ठीक से काम कर सकेगा, क्योंकि गांव-गांव जाता है, गांव की स्थिति को समझता है। तो कहने की बात यही है कि सामाजिक और राजनीतिक कोई अंतर नहीं है। बच्चा भी जन्म लेता है तो पोलियो का टीका लगा देते हैं, राजनीति की शुरुआत वहीं से उसको शुरू हो जाती है। घर के अंदर भी राजनीति होती है तो भाई लड़ते हैं तो बीवी आए उसमें समाधान करवा देगी, महाराष्ट्र में दो भाई लड़ रहे थे तीसरा आगे समाधान करवा जाएगा। कहने की बात यही है कि कुछ अच्छा होगा, हम लोग अच्छा करने के लिए आए हैं, हमारे लिए समाज, राष्ट्र सब कुछ महत्व रखता है। कल भी मैंने कहा था कि जब तक समाज मजबूत नहीं होगा राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। एक बहुत ही उत्सुकता वाला प्रश्न है जो आपसे जानना चाहते हैं और कई लोग भारत में जानना चाहते हैं, वो यह है कि आपने जब आंदोलन किया था तो खबरों में सब जगह पूरे भारत में लोगों ने पढ़ा कि 5 लाख के करीब लोग सड़कों पर उतर आए सूरत और आसपास के एरिया में, लेकिन उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुआ उस भाजपा की सरकार के खिलाफ उतर आए लोग और उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुआ उन सीटों पर भाजपा जीत गई, आखिर आपने जो करीब से देखा ये कैसे हुआ ये सब मामला? देखो, जो ये 5 लाख वाला जो मामला है वो चुनाव से 10 दिन पहले सूरत का है, उससे पहले 25 लाख लोग हमने 1 साल पहले अहमदाबाद में इकट्ठे किए थे। बात रहे क्या हुआ, तो कहने की बात है कि सूरत एक बिजनेस हब है, वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिसके अंडर में काम करने वाले 20-25 हज़ार मजदूर हैं। आपके बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड के ज़्यादातर मजदूर वहाँ बेचारे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुजराती मजदूर हैं, गुजराती काम करने वाले लोग हैं, उनको डरा धमका कर जॉब चली जाएगी, आप बेरोजगार हो जाएगी, इस डर के माहौल से बीजेपी के समर्थन में वोट करवाया है। और पैसों का दम, ईवीएम का खेल, ब्यूरोक्रेट्स का दम, ये सारी चीज़ों से बीजेपी वहाँ प्रभावित है। आप एक बात समझिए, 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था। हकीकत है कि गुजरात में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा, मुसलमान कम है, फिर भी 2002 में कांग्रेस 60 सीट लाई थी, नहीं तो बीजेपी को 150 सीट मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी गुजरात की जनता धर्म में नहीं मानती, फिर भी वहाँ कांग्रेस का वोट बेस है, वहाँ दो ही पार्टी है, यूपी बिहार की तो 10-10 पार्टियाँ नहीं। तो वहाँ कहने की बात यह है कि गुजरात की जनता ने हर वक्त बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने का प्रयास किया है, लेकिन बीजेपी ने लोगों को डरा धमका कर जेल में डालकर हम पर 42 केस लगा दिए हैं, हम पर 2 देशद्रोह के मुकदमे लगाए हैं। तो जो लोग डर जाते हैं वो बैठ जाते हैं, उसकी गोद में बैठ जाते हैं, हम डरते नहीं, हम तो कहते हैं कि तुमसे जो हो सके तुम करो, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। तो हम लड़ाई मजबूत करते हैं। अब लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, उसमें जो भी फैसला होता है स्वीकार करना पड़ता है, और तो क्या कर सकते हैं। ईवीएम के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, तो क्या करेंगे?
अभी एक बात बताइए, ईवीएम मान लो 15-20 साल से आया है, 20 साल के लोग, चलो मुझे एक्सेट मालूम नहीं, उससे पहले बिहार में चुनाव बैलेट से होते थे कितने दिन में रिजल्ट आ जाता था, और आज कितने दिन में आता है? पहले बैलेट से चुनाव होते थे कितने फेस में हो जाते थे बिहार के चुनाव, अब कितने फेस में होते हैं? कहने की बात है कि ईवीएम का मतलब है फास्ट, चुनाव भी जल्दी हो रिजल्ट भी जल्दी आए, लेकिन फिर भी इतना समय क्यों लगता है? ईवीएम जिस देश में बनाए उस देश में भी ईवीएम का उपयोग नहीं होता, हम क्यों उपयोग कर रहे हैं? हम ईवीएम पर सवाल इसीलिए खड़े करते हैं क्योंकि ईवीएम के जरिए देश का लोकतंत्र बचे रहना है। अब ईवीएम पर ही सवाल हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया है कि लोकतंत्र महीना पे डगमगा रहा है, तो इसीलिए हम ईवीएम पर सवाल करते हैं। ईवीएम पर हम भरोसा इसीलिए नहीं करते, मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं 5 लाख वोटों से जीत जाऊंगा फिर भी मैं कहूंगा कि ईवीएम पर मुझे सवाल है, क्योंकि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है इलेक्ट्रॉनिक। आज हमारे बैंक से 10 रुपये काट लिए जाते हैं, 100 रुपये काट लिए जाते हैं, हैक हो जाता है, ट्विटर हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो ईवीएम तो कौन सी बड़ी चीज है? भारत की अर्थव्यवस्था अभी डावाडोल कही जा रही है, इससे उभरने के लिए क्या रास्ता आप सुझाते हैं और यह क्या स्थिति आपको लगी? इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ कि मेरे पास इसका सुझाव हो सके। सामाजिक रूप से आप किस तरह देखते हैं ये टूटती हुई अर्थव्यवस्था, क्या कारण है इनके पीछे? कारण तो उसकी नीति है ना, उनको नोटबंदी करने की जरूरत कहाँ थी? पर आपने 1000 की नोट बंद करनी थी, 2000 का है लाए, अब ये पीछे महीने 2000 की नोट बंद करनी पड़ेगी, ऐसा बोल रहे हैं वो, 6 महीने 2000 की नोट भी बंद करनी पड़ेगी, काहे इतना ज्यादा आप फुगावा पैदा कर रहे हैं देश के अंदर? अगर आपने 1000 की नोट बंद की तो 500 की लानी चाहिए थी, लेकिन 2000 की नोट लागी, उन्होंने साबित कर दिया कि देश की व्यवस्था बहुत खराब है और पैसा देश के अंदर नहीं था। दूसरी बात, मंदी के लिए अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें छोटे मोटे व्यापारियों को मजबूत करना होगा। मंदी क्यों आई है? बिस्किट कौन खाता है? पार्ले का बिस्किट गाँव वाले खाते हैं, शहर का आदमी नहीं खाता। गाँव के अंदर कोका कोला पी जाते, छोटे मोटे जूस पी जाते, मजदूर लोग खाना खाते हैं, तो ये सारी चीज जो गांव में जाना थी, गांव के पास पैसा ही नहीं है तो वो खरीद नहीं पा रहे, तो उससे रोटी नहीं बन रहा। तो पहले ही बात यह है कि हमें गांव के लोगों को मजबूत करना है, और उसके लिए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, चाहे सरकारों से सहमत हो या ना हो, अगर फेयर एंड लवली वाला खुद दाम तय कर सकता है तो किसान को अपनी फसल के दाम तय करने का अधिकार देना चाहिए, लिमिट में हो, उसका एक क्राइटेरिया हो कि यहाँ पे गन्ने का दाम इतना ही होना चाहिए, सरकार का फैसला हो। अगर नहीं, जनता को लगे, किसानों को लगे कि नहीं 100 ज्यादा करना चाहिए, तो सरकार उसमें निर्णय बरते, क्योंकि किसानों को अपने दाम करने का अधिकार देना चाहिए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आप किस तरह से योगदान देंगे, क्योंकि अब आप एक राजनीतिक पर्सनालिटी भी हैं, तो किस तरह से आप योगदान देने के लिए अपने आप को सक्षम, सहज, आसानी से फील? अगर मैं स्वतंत्र होता तो मैं काफी योगदान दे सकता, लेकिन मैं पार्टी में हूं तो पार्टी का जो रूल होगा उस हिसाब से काम करूंगा। और गुजरात से आप आ रहे हैं, वहां पर ऐसा लग रहा है कि साबरमती आश्रम, वहां अब तक जो ट्रस्ट संचालित कर रहा था, उस ट्रस्ट के हाथों से निकलकर सरकार के हाथों में चला जाएगा। सरकार के हाथों में चले जाना बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसा लोग संदेह कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो वहां भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लगातार प्राइवेटाइजेशन वो कर रही है चीजों का, तो लोगों के मन में एक संदेह है कि कहीं साबरमती आश्रम को लेकर फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में ना दे दे टूरिज्म के नाम पर। तो इस साबरमती आश्रम को मैं आज ट्रस्ट संचालित कर रही है, तो क्या कमियां आ गई है जिससे कि सरकार को लेना पड़ा है, और या फिर अगर इसे कैसे बचाया जा सकता है, क्या करेंगे इसको? गुजरात में बीजेपी सरकार 30 साल से, अभी उसको समझ आया कि हमें साबरमती आश्रम को लेना चाहिए। 30 साल पहले समझ नहीं आया था, 20 साल पहले समझ नहीं आया, 10 साल पहले समझ नहीं आया। तो क्या उनका इसके पीछे मुख्य उद्देश्य हो सकता है? गुजरात में करीब से मामले को देख रहे हैं, आप नहीं मानते, ये देश में है ना, आप तो गुजरात का थोड़ी नाम हो गई, देश का है, तो आपको भी समझना चाहिए ना क्यों कर रहा है। ऐसा लोग समझ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसको कहां जरूरत है? गांधी की जगह को प्राइवेटाइजीकरण करके मतलब क्या? तो इसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रस्ट करेगा ना, अगर ट्रस्ट के लोग भी फूट जाएंगे, टूट जाएंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? जो गांधी की विरासत, जो लोग पहले से लेकर चल रहे वो भी नहीं संभल पाएंगे तो मतलब क्या है? तो 50 साल से कहे लेके घूम रहे थे गांधी को। आप समाधान की राजनीति की बात आपने कल भी कही, परसों की मैंने सुना कई जगह, तो समाधान के लिए तो सरकार से वार्तालाप आवश्यक है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था उनके हाथ में है।
तो क्या आपने, आप भी गुजरात से, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गुजरात से हैं, क्या आपने कभी बातचीत करने की, मुलाकात करने का प्रयास किया है? सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष में होते हुए कांग्रेस से भी भाजपा बात नहीं कर पा रही, हमसे क्या करेगी? नहीं, आप स्थानीय है, ऐसा थोड़ी ना होता, देश के मुद्दे स्थानीय थोड़ी ना होते। अभी भी प्रधानमंत्री को स्थानीय बना दोगे तो महाराष्ट्र क्या होगा, बिहार का क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या बातचीत करने का प्रयास किया गया जिससे समाधान निकले? मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि वो विपक्ष से नहीं बात कर सकते, इतने बड़े अर्थशास्त्रियों से बात नहीं कर सकते, इतना गुरूर आ गया उन लोगों को, हमसे तो क्या बात करेंगे? हमने तो इतनी चोट दी है, चोट देने के बाद थोड़ी ना हमारे पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक जी, आप आए। ज्ञानराज जी आरक्षित सीट से लड़ते रहे, उनके पुत्र भी अब आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं। जो रामविलास जी इतने मजबूत है तो उनको आरक्षित सीट छोड़ के दूसरी जगह जाके लड़ रहे हैं। राजनीति में कैसे कमजोर, पिछड़े वर्ग के कमजोर लोग आ पाएंगे? सरकार की जिम्मेवारी होती है कि आरक्षण का जो लाभ है वो गाँव के पिछड़े और गरीब लोगों तक पहुँचे।